हम जा रहे हैं धारा पूजन के लिए। कर रहे हैं मेरी साथी। दाले और दाले। तो कैसे लग रहा है अपने ही घर में? पर बड्डा की हालत काफी खराब हो रखी है, बन गए हैं हलवाई खाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है संध्या के ससुराल से। सुबह उठ गए थे हम और अभी हम पी रहे हैं चाय। तो तुझे कैसे लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। और संध्या का ससुराल वैसे पड़ोसी गांव में ही हमारा, पर यह नेट नहीं आता, पर यह नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हम ना ब्लॉग अपलोड कर पाए ना कुछ। तो आज दिन तक हम घर जाएंगे, उसके बाद ही ब्लॉग अपलोड हो पाएगा। मौसम की बात करें तो धूप अभी नीचे से आ रही है और हमारे सभी भाई यहाँ पे सो रखे थे, तो गांव की शादियों के यही मजे होते हैं। बैठने पे लगी हुई है यहाँ पे भी संध्या, क्योंकि अगर घर है तो संध्या को यही काम करना होगा। अपने मेहमानों को चाय पिला रही हूँ जो मेरे साथ आ रहे हैं। अभी नई नई शादी वाली दुल्हन भी आ गई है। तो संध्या कैसा लगा तुझे शादी करके? बहुत अच्छा, मजा आ रहा। तुमने, क्योंकि अब तुम्हारा घर है, यही ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें क्या खिलाना है और क्या पिलाना है, ठीक है? जब तुम अब हमारे घर आओगी तब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, ठीक है? दीदी, मेहमानों की नाश्ते की व्यवस्था करो। आलू के पराठे, बिल्ले गोभी के, और वो पनीर के खाती है। आधा घंटे में मिल जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है, अब आपको बताते हैं। अभी संध्या जा रही है नाश्ता बनाने के लिए, और अभी लगभग हम सब धारा पूजन के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे भाई लोग जा रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई बहन जी को। संध्या कुछ दिन बाद तुझे बच्चे आंटी बोलेंगे, भगवान करे हमारे भी जल्दी हो। तो अभी संध्या को मैंने आधा तैयार कर दिया है, संध्या को अभी तैयार करना बाकी है। और अभी हम तैयार हो गए हैं और मैंने संध्या को अभी तैयार कर दिया है। बहुत अच्छी लग रही है। तो साइड बाय साइड मेरा पार्लर का बिजनेस भी है, अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मुझे बुला सकता है। और मेरा पूरा मेकअप कर रात से और अभी तक का पूरा लली ने किया है, और बहुत ही अच्छा मेकअप किया है, सब तारीफ कर रहे हैं, एकदम नेचुरल लग रहा है। तो किसी को अगर मेकअप करवाना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी बहन का मेकअप कराया और वो काफी सुंदर लग रही है। वैसे वो पहले ही सुंदर है, पर अभी वो और ज्यादा सुंदर लग रही है। अभी हम जा रहे हैं धारा पूजन के लिए। तो हम सड़क पे आ गए हैं और यहाँ से काफी दूर है धारा, तो यहाँ से हम सभी लोग जाएंगे गाड़ी पे। तो अभी चाचा हमें लेने भी आ गए हैं, तो अब हम जितने भी लोग बच रखे हैं सब जाएंगे इस कार पे धारा तक। हम पहुँच गए हैं धारे में, यहाँ पे है श्री गांव का धारा, और अभी इनका हो रहा है फोटो शूट। ऊपर है श्री गांव और सबसे नीचे है हमारे इष्ट देवता जाग देवता का मंदिर। ये एक से बढ़कर एक पोज दिए जा रहे हैं, और जब तक यहाँ पे दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है, हमारे कुछ भाई बहन वहाँ घूम रहे हैं और कुछ इधर साइड जा रखे हैं घूमने के लिए। तो इनका कुछ काम धाम नहीं है दोस्तों, ये एक नंबर के घुमक्कड़ हैं। और ये है मेरी बड्डी का बेटा, मेरा हैंडसम भाई। और यहाँ पे हो रहा है धारा पूजन, और यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं अपना अपना फोटो शूट करवाने पे। तो यहाँ पे सभी लोगों का अलग अलग काम है। तो मेरी बहनें यहाँ पे सिंगर बनी हुई है, तो इनका गाना जो भी है सब तेरा, सब तेरा मेरे कर दिया। इस गाने पे तुम कुछ बोलना चाहोगे? अरिजीत सिंह शर्मा जाए कर दिया घटिया घा ता, ता पे छोटे की मात्रा या उस बड़े आ की मात्रा। वाह यार, उसी गाने सुन के हमने इनको दूर भगाया घर से। तुम दोनों मुंबई बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है? और अभी धारा पूजन हो गया है और पीछे बट रहा है सभी लोगों को प्रसाद, पर इनका अभी भी फोटो शूट जारी है। डाले और डाले।
तो मेरे भाइयों को पता नहीं क्या हो जाता है मुझे देखते ही, ये मुझे फेंकने की बात में खुशी मिलती थी, थोड़ा खुशी हुई तेरे घर भी बाल भी चाह रहे हैं कि जब पैसे नहीं दोगे काम करने का, थोड़ा सा खुशी भी तेरे को वापस ला दिया। अभी तो मैं फिर लेबर बनाऊंगी मैं, ठीक है, यकबल दुल्हन भाभी के देवर और ताकत दुल्हन की लेबर। हां वही तो, अभी धारा पूजन भी हो गया है और मेरे भाइयों ने अपने मन की भी कर दी है, तो अब हम जा रहे हैं घर और अभी हमें लेने फिर से आ गए हैं चाचा, तो चाचा की आज कड़ी ड्यूटी लग रखी है। यहाँ पे हमारे इस देवता जाग देवता का मंदिर, और जब भी जाग देवता की पूजा होती है तो हम इसी मंदिर में आते हैं। बड़ा गांव होने का यही फायदा है, एक साथ कई सारियां होती है। तो अभी एक दुल्हन धारा पूजन करके आ गई है और दूसरी दुल्हन अभी जा रही है। हम जा रहे हैं घर क्योंकि आज ही संध्या का दूज है, इसके बाद शुभ मुहूर्त के बाद, शुभ मुहूर्त 21 तारीख के बाद है, तो ये लोग 21 तारीख के, तो ये लोग फिर 21 तारीख के बाद आएंगे। वे अभी मुझे घर जाना है, घर में खाना वगैरह बनाना है, तो पहले फटाफट चलते हैं घर में खाना पीना बना लेते हैं। और हमें लेने आए हैं हमारे बड़े भ्राता श्री राजेश भैया, ड्राइवर बिठाया है अब, जिसको ड्राइविंग का डी भी नहीं आता है, और हमें लेने आए हैं हमारे बड़े भ्राता श्री। अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव के ऊपर, और इस गांव से बढ़कर स्वर्ग कहीं नहीं है। जैसे ही हम घर पहुंचे तो वैसे सभी लोग लगे हुए हैं तैयारी में, तो बड़ी लोग यहां पे पीस रहे हैं दाल पकौड़ियां बनाने के लिए, जो कि आज संध्या के साथ जाएंगी, और मेरे बड़ा बैठे हुए हैं संध्या के इंतजार में, अभी आएगी। अभी नहा धो के हम बैठ गए हैं फिर से थोड़ी देर, क्योंकि हमें काफी थकान लगी है, दो तीन दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही है। और यहाँ पे हमारी बुआ लगी हुई है खेलने पे, तो उसकी दादी ने डाल रखे हैं गेहूँ, और गेहूँ के साथ वो लग रखी है खेलने पे, और बच्चों के शौक वो मेरी जूतियाँ, उसने अपनी चप्पल छोड़ दी और मेरी जूतियाँ पहन के पूरे चौक में घूम रही है। बुआ गर्मी नहीं हो रही, गर्मी नहीं हो रही, तो हमारी बुआ को ना गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है, बुआ घूमती रहती है। हमारी प्रीशा ने मम्मी ने जितने भी गेहूं डाले थे सब पूरे चौक में बो दिए हैं, और एक थप्पड़ मारने के बाद इसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। शादी से आने के बाद जो हमारी हालत खराब हो रखी है, क्योंकि दो तीन दिन से ना हमने ढंग से खाया है और ना ही हम सोए हैं, और पैरों में नाच नाच के इतना दर्द हो रहा है। तो वहां से आने के बाद हम नहाए और अभी हम बना रहे हैं जलजीरा, और सौर्य भी गया था मेरे साथ, तो सौर्य को मैं अपने साथ अपनी जिम्मेदारी पे ले गई थी, और अपनी जिम्मेदारी पे मैंने इसे घर भी ला दिया। तो संध्या का दोनों, तो अभी संध्या भी पहुंच गई है, तो कैसे लग रहा है अपने ही घर मेहमान के रूप में आके? आज पूछ रहे हैं मुझे, रोज में काम करती थी और आज मुझे पूछ रहे हैं। चाय तो मेहमान होगी पर उसके लिए तो चाय बनानी पड़ेगी, ठीक है। आते ही सब संध्या को मिल रहा है, पर मेरी बड्डी लगी हुई है जब से मैं आई हूँ तब से मेरे लाड करने पे। एक रात में मेरी बड्डी को मेरी इतनी याद आई कि लग रखी है मुझे सुलाने पे, इतनी याद आई। जिस दिन मैं ऐसे ही चल जाऊंगी तब क्या होगा, तो दुनिया का रिवाज है, थोड़ी देर अपने मन को समझा लेंगे, वही तो जाना तो सबको ही है। और यहाँ पे मेरी बड्डी मेरी लाड कर रही है, मेरी मम्मी कमर पे हाथ लगा के सामने पे खड़ी है। आज है हमारे यहाँ पूरे गांव वालों का खाना, तो इनके इज्जत सिर्फ श्री तक ही, यहाँ जैसे ही अपने घर पे आए वैसे ही फिर से बन गए हैं हलवाई खाना बांटने वाले। उधर उधर हमें दुल्हन के लेवर मिले, जो भाई हैं वो दुल्हन के लेवर। हाँ सही बात है, तो इनकी ड्यूटी लग रखी है पूरे गांव वालों को खाना खिलाने पे। और आजकल अमन काफी पतला हो गया है क्योंकि अमन को दिन रात काम करना पड़ रहा है। अभी हमें भी हमारे हिस्से का खाना मिल गया है और सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने, और अपने ही दुनोज में दुल्हन बना रही है अपना ही ब्लॉग। और कल तक इसको हम अपने घर में खाना नहीं देते थे, और आज पहले पैसे दे रहे हैं और बाद में खाना दिया। कैसा लग रहा है, पैसे भी मिल रहे खाना भी मिल रहा है ना। और अभी फिर से वो टाइम आ गया है जब संध्या को फिर से तैयार करना है, और ये चली जाएगी फिर अपने ससुराल। और अभी संध्या भी तैयार हो गई है। आप कुछ कैसी लग रही मैं? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। छोड़ी थी मैंने आज पहली बार पहनी है।
इससे मुझे ये सीख मिली है कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी पिछौड़ी लानी है ना। हाँ ठीक है, जिसमें ऐसा लिखा होगा सौ भाग्यवती भव। ठीक है, उसी टाइम से मिल जाता है जब इसको जब हम पिछौड़ी लेते हैं उसी समय मिल जाता है। संध्या की तैयारी हो गई है जाने की, तो अभी हमारे और संध्या का सामान भी वैसे वैसे नीचे आ रहा है। इसमें है कलयुग जो कि अर्थ से हमने बनाए थे, और अभी जाने की तैयारी भी हो गई है, तो ढोल वगैरह भी आ गए। और यहाँ पे अभी बड़ी लगा रही है सभी लोगों को पिठाई। मेरी आवाज गाला बेटी भी छोड़ा हैं फिर से सामान उठाने के लिए। अभी संध्या और संध्या के पति को आशीर्वाद दे रही है, सभी साथ से पीछे खड़ी है। अभी संध्या का सामान और मेरे पापा लोग और मेरे चाचा लोग सभी जा रहे हैं संध्या के साथ। और अभी यहाँ से सभी लोग चले गए हैं, तो अभी मैं कक्कू और प्रिशा और बड्डा और इशु हैं घर पे, बाकी सभी लोग जा रखे हैं संध्या को छोड़ने के लिए। जब भी किसी घर से किसी बेटी की विदाई होती है तो उस घर में उसके बाद कितना सूनापन आता है वो सभी लोग इस घर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी जैसी संध्या गई वैसे यहाँ पूरा मोहल्ला सूना सूना सा लग रहा है। संध्या तो चली गई है पर बड्डा की हालत काफ़ी ख़राब हो रखी है, और बड्डा जब से संध्या गई है तब से रो ही रहे हैं।